हेलो दोस्तों माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है निराज सी चौधरी ये आज के हमारे राइटर हैं इंडियन इंग्लिश राइटर में एंड ही वाज बोर्न ऑन ट्वेंटी थर्ड नवम्बर एटीन नाइनटी सेवन इन किशोरगंज जो कि अभी बांग्लादेश में है ठीक है एंड ही डाइड इन नाइनटीन नाइन्टी नाइन तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं ही वॉज़ बोर्न ऑन ट्वेंटी थर्ड नवम्बर एटीन नाइन्टी सेवन इन किशोरगंज ऑफ ईस्ट बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो कि अभी बांग्लादेश में है एक्चुअली ही वॉज बोर्न इन टू द फैमिली ऑफ अ कंट्री लॉयर उसके उनके पिताजी जो थे लॉयर थे हिज मदर डिड एट इवन नो हाउ टू रीड एज़ वॉज अ कामन विद मोस्ट वूमेन ऑफ दोज टाइम्स And after receiving his primary education from Kishoreganj and Kolkata, he went to Ripon College, Kolkata. His first article was published by Bengali poet Bharat Chandra. He had always been a journalist, but it wasn't until he was 53 and he bought out his first book in English, The Autobiography of an Unknown Indian, in 1951. तो हमने यहाँ देखा कि उनकी डेथ कब हुई जन्म कब हुआ और थोड़ा सा उनके बारे में जाना ठीक है ही वॉज़ वेरी मच फाउंड ऑफ वेस्टर्न कल्चर के बहुत ज़्यादा वो चाहते थे उनके राइटिंग्स में हम उसको देख सकते हैं ही ऑलवेज़ रीड द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर उसका इफ़ेक्ट भी उनकी राइटिंग में मिलता है ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर द ऑटो बायोग्राफी ऑफ एन अन नोन इंडियन पब्लिश इन नाइनटीन फिफ्टी वन ये सबसे फेमस बुक है और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हर लगभग हर एग्ज़ाम में आया ही जाता है तो इसको रट लीजिए आप द ऑटो बायोग्राफी ऑफ एन अनोन इंडियन ठीक है ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन टू बी एवॉर्डेड द डफ कूपर मेमोरियल अवॉर्ड फॉर हिज राइटिंग द कंट कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में इन्होंने लिखा था द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स इनकी एक राइटिंग है पहले भारतीय थे जिन्हें डफ कूपर मेमोरियल अवॉर्ड मिला था इसको हम याद रख सकते हैं डिड द जॉब एज अ क्लर्क इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी उन्होंने पढ़ाई लिखाई खत्म की और इंडियन आर्मी के एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली ड्यूरिंग जॉब ही स्टार्टेड आर्टिकल राइटिंग टू पॉपुलर मैगजीन एंड हिज फर्स्ट आर्टिकल ऑन भारत चंद्र अभी मैंने बताया था आपको पॉपुलर बेंगोली राय पोएट थे एटीन सेंचुरी के तो उनका उनके लिए आर्टिकल उन्होंने लिखा था इंग्लिश मैगजीन मॉडर्न रिव्यू में ठीक है तो अपन इसको याद रख सकते हैं ठीक है <coughs> he went to england in 1955 and his impression of england and europe were later collected in a passage to england in 1959 and the continent of sirs published in 1965 jisko award bhi mila tha to ye england gaye 1955 mein aur jo bhi उन्होंने पाया वहाँ पर उसको उन्होंने a passage to England में लिखा और the continent of सर्स में लिखा ठीक है हिज़ वन मोर फेमस ऑटो बायोग्राफी नेम इज़ दैंड द ग्रेट अन आर्च पब्लिश नाइनटीन एटी एट हिज़ लास्ट बुक थ्री हॉर्स मैन ऑफ द न्यू एपो कैल्प्स पब्लिश नाइनटीन नाइन्टी सेवन वैन ही वॉज हंड्रेड जब उनकी सौ साल की उम्र हो गई थी तब उन्होंने नाइन्टीन नाइन्टी सेवन में ये बुक जो है इनकी पब्लिड हुई है थ्री हॉर्स मैन ऑफ द न्यू एक्लिप्स एपो कैल्प्स ठीक है इसको हम लर्न कर लें ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है बुक का और ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में चाहे पी जी का एग्ज़ाम दे रहे हैं नवोदया का एग्जाम दे रहे हैं चाहे नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हो सकते हैं इनके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही मैंने इस वीडियो में लाया हूँ ठीक है द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्स जो इनकी बुक है जो उन्होंने ब्रिटेन और यूरोप पर लिखी थी से जो भी उन्होंने पाया था उस पर लिखी थी एवॉर्डेड डफ कूपर मेमोरियल अवार्ड उसको मिला ही गॉट साहित्य अकेडमी अवॉर्ड फॉर इज बायोग्राफी ऑन मैक्स म्यूलर स्कॉलर एक्स्ट्रॉर्डनरी ये भी उनकी एक पुस्तक है जो कि 1975 में आई थी ठीक है He was presented with the Sahitya Academy Award for his biography on Max Muller, Scholar Extraordinary, 1975. In 1970, he left India to settle in Oxford, England, and spent his other years, which is in life, thinking and writing about India. He lived a very long and productive life. He was

तो उनकी और भी जो राइटिंग है उन्होंने और भी जो लिखा है वो देख लीजिए द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया 1967 में पब्लिश हुआ था टू लिव और नॉट टू लिव 1971 में पब्लिश हुआ था कल्चर इन द वैनिटी बैग 1976 में आया है एंड क्लाइव ऑफ इंडिया जो है 1975 में आया है हिंदू इज़ माई रिलीजियन टू लिव बाय नाइनटीन में उन्होंने लिखा था द ईस्ट इज़ ईस्ट एंड द वेस्ट इज़ वेस्ट ये भी उन्होंने लिखा था अगर आपको हमारे दिए हुए नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो तो द पर्टिकुलर वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एग्ज़ाम ऑफ केबी नवोदय और नेट एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थैंक यू